दोस्तों सोनू निगम की तबीयत खराब है जिसकी वजह से उनको आईसीयू में भी रहना पड़ा था। दरअसल दोस्तों सोनू निगम एक एलर्जी से पीड़ित हुए हैं जिसकी वजह से उनको आईसीयू में भर्ती होना पड़ा था। हालांकि दोस्तों अब सोनू निगम बेहतर है। उन्होंने इस बात की जानकारी खुद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके दी है जिसमें उन्होंने अपनी परेशानी और हेल्थ दोनों के बारे में बताया है। दोस्तों सोनू निगम ने सोशल मीडिया पर अपनी फोटो शेयर की है। उन्होंने फोटो शेयर करते हुए लिखा कि आप सभी के प्यार के लिए शुक्रिया। अब मैं कल रात को एक कॉन्सर्ट करके जयपुर उड़ीसा से लौट रहा हूं और मुझे ये साझा करने में कोई भी आपत्ति नहीं है कि मैं कल से पहले कैसा था। इससे पहले हम सभी को ये सीख मिलती है कि किसी भी तरह की एलर्जी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मुझे भी सी फूड से एलर्जी हुई है। अगर मैं सही समय पर इलाज नहीं ले पाता तो ये दिक्कत बढ़ सकती थी। दोस्तों सोनू निगम ने दो फोटो शेयर की है। एक में उनकी आंख सूजी हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरी फोटो में वह हॉस्पिटल बेड पर लेटे हुए हैं और उनको ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है। वह नानावटी हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे जहां पहुंचते ही डॉक्टर ने उन्हें आईसीयू में एडमिट होने की सलाह दी थी। दोस्तों सोनू निगम आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। कुछ समय पहले एक वीडियो वायरल हुई थी। वीडियो में एक शख्स सोनू निगम के पास आता है और उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश भी करता है। चलते चलते वो सोनू के कंधे पर भी हाथ रख देता है। सोनू उनका हाथ पकड़ते हैं और मरोड़ देते हैं। ये फैन हैरान रह जाता है। इसके बाद सोनू निगम उसके कंधे पर हाथ रख देते हैं और पकड़कर मुस्कुराने लगते हैं। थोड़ी देर तक तो वहाँ मौजूद सभी लोग सहम जाते हैं। दरअसल दोस्तों सोनू निगम अपने फैंस के साथ मजाक कर रहे थे। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।